हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि डिक्शनरी कैसे बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक डिक्शनरी बना रहा हूँ, डिक नाम से एक डिक्शनरी बना रहा हूँ, ठीक है। तो डिक्शनरी की खासियत ये होती है कि इसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है, तो ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही रहेगा, ठीक है। लेकिन रहेगा कैसे, जैसे मान लीजिए आपने एक डिक्शनरी बनाई और पहला इसमें दे दिया रोल नंबर, एक होता है की और दूसरा होता है वैल्यू, ठीक है। तो इसमें की डुप्लीकेट नहीं होता है, वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, की डुप्लीकेट नहीं हो सकता है, वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ रोल नंबर लिख दिया और यहाँ रोल नंबर कौन सा रहेगा, वन रहेगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे डबल डॉट कॉमा क्लोज करने के बाद यहाँ पे लगाना है इस तरह से कॉलन, और यहाँ पर आपको लिख देना है रोल नंबर। तो रोल नंबर, आप चूंकि रोल नंबर तो नंबर है, तो नंबर को डबल डॉट कॉमा या सिंगल डॉट कॉमा में लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब फिर यहाँ पे कॉमा लगाइए, कॉमा नीचे तो लगाना ही होगा, तो ये कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद क्या करना है, फिर डबल डॉट कॉमा ओपन करना है, फिर यहाँ लिखेंगे नेम ऑफ स्टूडेंट, ये लिख दिया नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं अभी आपको ये करके दिखाता हूँ, और इसमें कैसे हम पता करेंगे कि ये जो है डिक्शनरी डेटा टाइप ही है, ये भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे फिर वापिस से कॉलन लगाएंगे और यहाँ पे डबल डॉट कॉमा में आर एम राम, ये स्टूडेंट का नेम हो गया राम, ठीक है। तो इस तरीके से लिख दिया, समझ में आई बात। तो ये काम हो गया है, और अब क्या करना है, यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज करना है, क्लोज ऑलरेडी है। अब इसको प्रिंट करवाते हैं, देखते हैं प्रिंट होता है या नहीं, ठीक है। इसको प्रिंट तो करवाना होगा, तो यहाँ पर एंटर करके नीचे आएंगे और यहाँ पर इसको प्रिंट करके देखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रिंट और डिक को प्रिंट कराएंगे, डी आई सी को प्रिंट कराएंगे, और यहाँ पर एफ फाइव करेंगे, एंटर करेंगे, और यहाँ पर इसका कोई भी नाम दे देंगे डॉट पी वाई लगा के, एंटर करेंगे और इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर ये प्रिंट भी हो रहा है। लेकिन क्या गारंटी है कि ये डिक्ट ही है, तो इसके लिए यहाँ पे टाइप लगा लीजिए, अभी पता चल जाएगा ये डिक्ट डेटा टाइप है, डिक्शनरी है या नहीं है। तो यहाँ पर जो है अब हम इसको पता करके देखेंगे कि ये डिक्शनरी है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए क्लास क्या बता रहा है, डिक्ट बता रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि डिक्शनरी में दो ही चीजें होती हैं, एक की होती है, दूसरी वैल्यू होती है। मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन भी कर दे रहा हूँ, दिस इज अ डिक्ट डेटा टाइप, डिक्ट डेटा टाइप, यहाँ पे लिख भी दिया मैंने कि यहाँ पर ये डिक्ट डेटा टाइप की पहचान करने के लिए हमने यहाँ पे किया है, दिस इज डिक्ट डेटा टाइप, ठीक है।